गुरु जी के एक मित्र थे जो उनके साथ ग्रेजुएशन में थे, उनके साथ ग्रेजुएट किए थे। वो जॉब में चले गए और गुरु जी सन्यासी बन गए, अपना हिमालय में रहने लगे। तो जब भी आते थे, भ्रमण के लिए निकलते थे, तो रास्ते में अपने दोस्त के यहाँ जरूर जाते थे। एक रात अपने दोस्त के यहाँ रुकते थे, बहुत अटैचमेंट था, साथ हॉस्टल में रहे थे, एक ही रूम में रहे थे, लोग साथ खाए थे, इधर काफ़ी अटैचमेंट था, तो जाते थे। जब भी जाते थे उसको बोलते थे, थोड़ा ध्यान कर लिया कर, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया कर, अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो कहते कहाँ टाइम है यार, है ना, तुम घर परिवार वाले हो नहीं, है ना, सन्यासी आदमी हो तो यही सिखाओगे हमको, परिवार भी देखना है, जॉब भी देखना है, बच्चे भी देखने, सब देखना है। बेचारे चले जाते थे बोल कर। फिर 10 साल बाद आए, 10 साल बाद आए तो देखे कि बाल बच्चे की शादी हो गई है दोनों की, और 2-4 साल रिटायरमेंट कैसे बचा हुआ है। तो बोले कि अब तो चलो हमारे साथ, चलो ध्यान करना हमारे साथ, हमारे साथ रहना, ध्यान करना, बाल बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दिया बच्चों का, छोड़ो। तो बोले कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, क्यों, पोता पोती को देखना है ना, तो पोता पोती को देख के तब जाएंगे, ठीक है, अगली बार जब आएगा तो पक्का चलो। फिर अगली बार आए, पोता पोती हो चुका था और एक बुढ़ापे की तरफ पड़ गए थे, 65 ईयर्स हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, और पोता पोती घर में। तो बोले कि अब तो चलो, क्या चले, बेटा चला जाता है नौकरी पर, बहू चली जाती है नौकरी पर, है ना, ये हमारा पोता पोती है, ये इसको स्कूल छोड़ कर जाता है, जो आता है तो हमारा काम है स्कूल चलाना, स्कूल से मैं लेके आता हूँ, घर पर आता हूँ, मैं घर पर नहीं रहूँ तो नौकर सब चोरी करेंगे यहाँ पर, नौकरों पर छोड़ देता हूँ, इतना सब कुछ बनाया है किस काम आएगा, सब चुरा के घर लेके जाएंगे, बच्चों तो संभलेगा नहीं, देखना पड़ता है, है ना, थोड़ा बच्चे पोता पोती थोड़ा बड़े हो जाए, है ना, तो फिर सोचते हैं या कोई ढंग का आदमी कोई मिल जाए तो सोचते हैं जाए। ऐसे करके उन्होंने चले गए। 10 साल बाद फिर आए वापस, 10 साल बाद आए तो घर पर आए तो पता चला कि गुजर गए, 2-3 साल पहले गुजर गए, बेटा उनका बहू अच्छे से स्वागत किए, भाई सबको पता था कि पिताजी के दोस्त हैं उनके, है ना, और स्वामी भी हैं, अच्छे स्वागत किए, वेलकम किए, आराम रखे, नाश्ता वास्ता किए, बैठे, आशीर्वाद हो रहे थे, बोले कि भाई ठीक चलो अपना करो जो करना है, और चल दिए। जैसे चले तो एक डॉगी घर में था छोटा सा, वो इनके पीछे चल दिए, है ना, तो जब डॉगी चला पीछे की तरफ तो थोड़ा आगे गए, बोले पीछे पीछे आ रहा है, तो पीछे मुड़े हाथ जुड़े, कह के भैया मेरे दोस्त, उसका नाम लेकर के, मेरे दोस्त अभी तक तू मुझसे माफ़ी मांगता था कि मुझे माफ़ कर दे अगली बार चलेंगे, अब तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे को लेके नहीं जा सकता, ठीक है, अब तू यहीं रह, यहीं रखवाली कर, यही तेरी इच्छा थी कि घर की रखवाली कर, तो इस घर की रखवाली कर, घर की सेवा कर, अब मैं तेरे को लेके नहीं जा सकता, है ना, अब मेरे कैपेसिटी के बाहर तेरे को उठाना, ठीक है, जब तक था मेरे कैपेसिटी में बोलते रहा तो सुना नहीं, अब मेरे कैपेसिटी के बाहर है तो डॉगी बन के घर की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। तो यही लाइफ हर किसी की होती है, जो लोग सुन लेते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, अगला जन्म इंसान का मिलता है या शायद अगला जन्म मिले ही नहीं, ऊपर ही रह जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लें, और जो नहीं सुनते हैं किसी न किसी के ऊपर नीचे आते हैं, ओके।